आज हम निकल रहे हैं अपना सबसे लॉन्गेस्ट रोड ट्रिप करने, दिल्ली टू गोवा। सुबह का नजारा बेहतरीन। वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे चैनल लव फॉर ट्रैवल में। तो हम आज हमारा सेकंड स्ट्रेच दिल्ली टू गोवा रोड ट्रिप का कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम कल गाजियाबाद से उदयपुर तक कवर किए हैं और अभी उदयपुर से मुंबई तक कवर करेंगे। उदयपुर से निकलने के बाद वडोदरा होते हुए सूरत, मुंबई पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा, फिर भी ठीक है। मतलब ऐसा कोई हड़बड़ी है नहीं हमें। हालांकि ये हमारा नॉन स्टॉप जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, तो होपफुली कल दोपहर तक हम गोवा पहुंच जाएंगे विद इन 36 आवर्स। हमारा टारगेट तो था 30 आवर्स में कंप्लीट करने का, लेकिन वो लगता है हो नहीं पाएगा। मुंबई और 750 किलोमीटर। यहाँ तो रास्ता एकदम मस्त है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड आफ्टर उदयपुर ना। हाँ, उदयपुर निकलने के बाद रास्ता बहुत ही अच्छा है। ये जो हाईवे है ये NH 48 ही है। सो गाइज, हम एक होटल नीलगिरी में रुके हैं जस्ट फॉर लंच। गाड़ी भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। इस बार का रोड ट्रिप हम अपने नए कार XUV 500 में कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा खासा एक होटल दिख रहा है। ये कंप्लीट वेजिटेरियन पैराडाइज है, सिर्फ पंजाबी सब्जी, पंजाबी खाना ही है। तो ठीक ठाक रेट है। मटर ये मटर पनीर। स्नेहा देवी पूरा सैनिटाइज कर रही हैं। सो हमारा खाना आ गया है, मकई दा रोटी, सरसों दा साग, कढ़ाई पनीर और बटर रोटी। सो हाउस द टेस्ट? साग इज गुड। फ्लेवर आ रही है? साग इज गुड बट दिस रोटी इज नॉट गुड। नो नो, आई लाइक बोथ। बहुत अच्छा था। तो खाना ओके था, नॉट सो ग्रेट, नॉट सो बैड। सही था। मतलब भूखे पेट जो मिल जाए वही सही। सो अब आगे है अहमदाबाद, फिर वडोदरा, फिर सूरत, फिर गेटवे ऑफ इंडिया। We have just crossed Rajasthan state and entering into, I believe, Gujarat now. अभी तो हमें लास्ट वही बोर्ड दिखा। क्या रत्नागिरी था, क्या था? रतनपुर। हाँ, होपफुली गुजरात में हमें वापस रिफिलिंग करना पड़ेगा रिफिल। तो गुजरात में कोई सस्ता चेक नहीं किया ना, RT-PCR, वैक्सीनेशन? अभी तो कुछ नहीं, कहीं पर भी कुछ नहीं। Although we have carried our, राजस्थान में भी कुछ भी चेक नहीं हुआ? राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, हरियाणा में भी नहीं हुआ। वाह यार, लग ही नहीं रहा कि हम लोग राजस्थान और गुजरात में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग ना उत्तराखंड में। कहीं ये माउंट आबू तो नहीं है ना? हम लोग फॉरेस्ट हिल में हैं। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। वाह यार, पास में नदी भी जा रही है। लगता है अब रास्ता हमारा अच्छा वाला पीछे छूट गया। नहीं, गलत टर्न तो नहीं है, रास्ता तो वही है। कोई बीच में लेफ्ट राइट कुछ नहीं था, सीधा सीधा रास्ता पकड़ के आना है यहाँ पे।
दिस इज क्लोज टू रचना एमआई रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको बीच में कुछ कुछ पैचेस मिलेंगे, वन वे होंगे, सॉरी वन वे नहीं बोथ वे होंगे बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको लगे कि रोड आगे बंद तो नहीं है, बंद नहीं है, सीधे सीधे ही आपको निकलना है। और ये सेम NH-48 ही है, यू डोंट हैव टू लीव NH-48। अभी तक हम लोग वो सेम एक ही 48 पर ही चलते हुए आ रहे हैं। बस ध्यान रखें कि हाँ बीच बीच में कई जगह पर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द टोल। भैया कौन सा टोल है ये? कौन सा पानटाड़ा? ये गुजरात हो गया क्या? रतनपुर से गया था लेकिन वहां पे टोल नहीं कटा था ना, टोल यहाँ काटा। एक चौक है यहाँ पर, अगेन ऑन गुजरात स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे 175। इस चौक से आपको लेफ्ट या राइट नहीं लेना, सीधा ही चलना है। हिमेश भैया चलेंगे ना, उनके गाने तो नहीं चलेंगे ना। हम लोग अभी गुजरात के बेहमपुर इलाके में हैं और गोधरा अभी 79 किलोमीटर। और अभी फरेदी हम पार किए हैं, अभी 5 बज रहे हैं और वडोदरा भी और 150 किलोमीटर है और हो सकता है मुंबई रात के 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी तो हम अच्छा स्पीड ही मेंटेन कर रहे हैं, क्लोज टू 100-120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूरा ऑटोमेटेड है, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। हाँ ऑटोमेटेड है, चलो चलो, फ्री है, चलो तुम चलो। ओके, फ्री है। या फिर फ्री है। पहला टोल ऐसा मिला पूरे ट्रिप में जहाँ पर हमें टोल नहीं देना पड़ा। ये है कुछ थिरकांती मुवाड़ी। यहाँ पर एक टोल था जिस टोल में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा, दैट वॉज फ्री ट्रीट फॉर द विजिटर्स। पन्नम ब्रिज है ये। सेकेंड टोल विच वॉज फ्री इन गुजरात। वडोदरा अभी भी कितना, वडोदरा कितना था, 100 गोधरा नहीं वडोदरा था 115 किलोमीटर है। गोधरा तो मेरे ख्याल से आने वाला होगा, आसपास ही होगा। 28 किलोमीटर था गोधरा, 28 किलोमीटर ठीक है। रोड्स अच्छे हैं, नॉट बैड, सीनिक रोड्स हैं काफ़ी, दोनों तरफ ग्रीनरीज हैं। इतने लंबे जर्नी के बाद भी वी आर नॉट एग्जॉस्टेड, वी आर स्टिल एंजॉइंग। आई डोंट नो इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई है। एट द मोमेंट हम लोग सहेरा क्रॉस कर रहे हैं और मे बी सहेरा के अंदर ही हैं। दिस इज़ द थर्ड टोल ऑन इन गुजरात एंड दैट्स ऑल्सो फ्री। वाओ सही मज़ा आ गया। सारे टोल
तीन तो फ्री मिले हमें, और दिन में ये दूसरी बार हम लोग फिल करा रहे हैं। लास्ट हमने फिल कराया था बवाल में, करीब 14 लीटर 15 लीटर डीजल तब डलवाया था, और उसके बाद अभी गुजरात में डलवा रहे हैं पेट्रोल, सॉरी डीजल। एक टैंक में ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास चल गया है ये। तो गुजरात में यहाँ पर डीजल महाराष्ट्र से 4 रुपये सस्ता है, तो आप डीजल गुजरात में ही भरवा लें। आगे से शार्प लेफ्ट। शार्प लेफ्ट, अरे वो जो दिख रहा है ना शार्प लेफ्ट, वो जो फ्लाईओवर दिख रहा है, हाँ वहाँ से लेफ्ट जाना है, मतलब वी हैव टू जॉइन दैट फ्लाईओवर। हम लोग अभी हलोल वडोदरा रोड छोड़ रहे हैं और लेफ्ट, सो बाय बाय हलोल हाईवे, वी आर बैक ऑन NH 48। आगे से थोड़ा सा लेफ्ट लेके चढ़ा दिए, हाँ हाँ, ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है जिसमें हम चढ़ेंगे अभी। हाँ हम चढ़ गए हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पे। Golden Quadrilateral is the connection between Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and back to Delhi. ये जो ऐसा जाता है ना चारों, that is the 4 quadrilateral. तो guys अभी हम वलसड के पास हैं, वलसड क्रॉस कर रहे हैं, we are still in Gujarat. तो guys ये है होटल विराम, यहाँ पर हम रुके हैं, ये गुजरात में ही है। हमारी गाड़ी खड़ी यहाँ, ये पूरा प्योर वेज होटल है, तो सोच रहे हैं यहीं पर हम अपना डिनर कर ले आज। पहले तो सोचे थे कि मुंबई में जाके ही करेंगे, लेकिन मुंबई पहुँचते पहुँचते सुबह के 4 या 5 बज जाते हैं। भैया यहाँ तो उसे थे हम गुजराती थाली सोच के, यहाँ पर भी पंजाबी थाली, मनी रिमझिम ऑर्डर दिया है, रिमझिम गिरे सावन सुनक सुनक जाए मन। क्योंकि बहुत बहुत दिन से, 1.5 साल से वाइट नहीं पहना। एट लास्ट वी आर इन मुंबई, आमची मुंबई। हम मुंबई में आ गए हैं, पीछे मेरे है वर्ली सी लिंक। द लास्ट टाइम आई वॉज इन मुंबई इट वॉज इन 1985, वे बैक, आज से 36 साल पहले। तब मेरी उम्र कितनी थी, 7 साल का था मैं, तब मैं 10-10 के उम्र का था जब मैं लास्ट टाइम आया था मुंबई, और आज इतने सालों बाद मैं मुंबई आया हूँ, मुंबई पूरा बदल चुका है। दिस इज द फेमस स्कल्पचर ऑफ MF हुसैन मुझे लगता है। हम चर्च गेट रेलवे स्टेशन पार कर रहे हैं, द फेमस चर्च गेट। गेटवे ऑफ इंडिया अनदर 6 to 7 minutes। बारिश शुरू हो गई है, बंद हो गई है, मुंबई के फेमस बारिश का मजा ले रहे हैं हम लोग।
तो थैंकफुली हम रात को आए तो वी आर एबल टू एक्सप्लोर मुंबई विदाउट एनी क्राउड। सो गाइस मेरे साथ फिर पोपट हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया तो यार बंद है, इट्स लॉक्ड। आई डोंट थिंक कुछ दिख भी रहा होगा आप लोगों को। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, वो तो अभी बंद है, सुबह खुलेगा। सुबह पास लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू एंटर इट, बट यस एट लास्ट वी आर इन मुंबई, आमची मुंबई। सो गाइस दिस इज द आइकॉनिक ताज पैलेस या ताज होटल, 2611 यहीं पर हुआ था। दिल्ली टू गोवा रोड ट्रिप का सेकेंड फेज जो उदयपुर से शुरू हुआ था और गेटवे ऑफ इंडिया में ख़त्म हुआ है। स्पेशली और पता चला आपका भी चैनल है तो सपोर्ट करना सर को।